बंगले के लिए पैसे भी तो होने चाहिए जेब में। जुगाड़े जे भाई साहब, आपको सब्सक्राइब करना को, रुको 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 रुको, ये तभी दबा के जाओ। पूरी वीडियो देखी जाए, पसंद आता लाइक और कमेंट भी कर दिया और कॉल पर शेयर कर दिया। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में आपके सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत तो नहीं बट एक 2 साल पुरानी शादी में आपको लेके चलता हूँ और मैं भी कुछ उसका मज़ा लेता हूँ। उससे मैं एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था बट अब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज उसको अपने अंदाज में बनाया जाए। उस दिन जो वेदर था ना, वो वेदर उस दिन बहुत अच्छा था यार, और अभी भी मुझे याद है कि उस दिन बारिश हो रही थी। जब तक मैं बस में जा रहा था तो उस दिन बारिश हो रही थी, तो मैंने बस में भी बहुत इन्जॉय किया और रास्ते में भी बहुत इन्जॉय किया। और एक्चुअली मुझे ठंड भी लग गई थी उस दिन, मैं कच्छे में चला गया था उस दिन, मतलब दिल्ली से ही मैं कच्छे में चला गया था, तो थोड़ी बहुत ठंड भी लग गई थी बट फिर भी नॉर्मल हो गया था घर जाते जाते। तो अब आ गए हम मेहंदी की रात में, तो मेहंदी बस मतलब ठीक ही थी, दूल्हे की मेहंदी थी तो मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं उस दिन, और उस दिन मतलब कुछ ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे, तो नॉर्मली मेहंदी हुई और फिर आ गए हम सुबह। पहाड़ियों की शादी में जो बेस्ट चीज़ होती है ना, वो होता है डांस। और अब पहुंच चुके हैं बैंड वाले, तो अब होने वाला है डांस खतरनाक वाला। जो ये प्राणी अभी आपने पटाखे जलाते हुए देखा, तो ये एक्चुअली बहुत खतरनाक प्राणी है, इसके काम ही हमेशा उल्टे काम रहते हैं। तो इसने एक्चुअली मेरी शर्ट भी जला दी थी पटाखे फोड़ते हुए। और जिस दिन का आप दूल्हे को इंतज़ार था, तो वो दिन आ चुका है और अब हम हो चुके हैं पूरे रेडी शादी में जाने के लिए, सब के सब रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी हम शादी में और थोड़ा डांस कर लेते हैं। ¡Gracias!
ये हो रहा है मेरा अकेला वाला डांस, और मुझे ज़्यादा डांस वांस तो आता नहीं, तो मेरे डांस पे मत जाना। अब हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर, और दुल्हन का मतलब गेट वेट पे हमारा जो होता है स्वागत होगा तो वो सब हो चुका है। और देन हमें मिलती है ये छोटी सी लड़की, वहाँ पे डांस करती हुई, तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी ये, और एक छोटा सा बच्चा भी है ये, तो ये भी बहुत अच्छा डांस कर रहा था, और आई एंजॉयड अ लॉट हियर। चुके हैं दुल्हन के घर, और दुल्हन दूल्हा बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे, और अब यहाँ पे होगी जयमाला। तो यहाँ पे दूल्हा अपने अपने मजे ले रहा है, और हम भी अपने मजे ले रहे हैं साइड में। तो यहाँ पे चल रहा है लड़कियों का डांस, जो है दूल्हे की सालियाँ हैं ये पूरी सब। यहाँ पे एक्चुअली मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बिल्कुल छत पे गया था, तो मुझे ये भीड़ भाड़ का थोड़ा अजीब सा लगता है, और कहीं किसी के चप्पड़ वप्पड़ खा लिए, तो लड़के वैसे भी हमारे तरफ के थोड़े अजीब से थे। तो ये हैं दो सालियाँ, और ये पहले बहुत भाव खा रही थी, बट बाद में थोड़ा बहुत हो ही गई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ कोई बंदा इतनी जल्दी जुड़ भी नहीं सकता, और बाद में जब जुड़ जाता है तो फिर जुड़ ही जाता है। Thank you.
करता हूँ यार, और क्योंकि मेरे जो हाथ पैर है वो उतने मतलब बड़े हैं और उसमें दो तीन आदमी तो बिल्कुल आ ही जाते हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं किसी के पिछवाड़े में ना लग जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड ही रहता हूँ। एंड हियर आई एम एंजॉयिंग माय ओन पार्टी। तो यहाँ पे जो बारात का अब एंड होने वाला है और यहाँ पे एक रस्म हो रही है जिसे हम कहते हैं गायदान, और मुझे लगता है कि सभी जगह होता है गायदान, तो सभी जगह होता है और ये बहुत अच्छा माना जाता है हिंदू धर्म में। तो ये गायदान हो रहा है और इसके बाद जो लास्ट वाला जो ये वाला मूवमेंट होता है ना इसके बाद वाला, तो थोड़ा सा इमोशनल होने लग जाता है क्योंकि अब सबको लगने लग जाता है कि अब विदाई होने वाली है। तो जो अभी लास्ट मोमेंट है ये है विदाई वाला, और यहाँ पे तो सबकी आंखें ही नम हो जाती है यार, जो मतलब नहीं भी रोने वाला बंदा हो जाता है तो वो भी थोड़ा बहुत नम हो जाती है उसकी आंखें भी। के साथ होती है पूरी वीडियो ख़त्म। तो अगर आप मुझे एज अ फोटोग्राफर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना शादी और प्री वेडिंग वेडिंग के लिए मुझे इनवाइट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और किसी दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि ये पहाड़ी वीडियो है, बहुत सारा अच्छा लगा होगा आपको। आई होप कि इस वीडियो में बहुत सारी डांस वगैरह सब रस्में तो एक्चुअली में पूरी कवर कर नहीं पाया। यहाँ पे भी गौशाला में आया हूँ मैं, उनको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं और गौशाला है, पता नहीं क्या है ये। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं और यहाँ पे ये घर सा बन रहा है। अंकल क्या बन रहा है भैंसों के लिए? ये गौशाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये घास से बनेगा? हाँ। अच्छा, तो ये घास से बन रहा है और इधर अंदर आके देख लो, इधर चलो फिर अंदर चलते हैं। ये और ये आपने पूरा हाथ से बनाया है? हाथ से, अपने हाथ से तो बना रहे हैं। बहुत अच्छा बना रखा है। तो ये है बंगला, अरे अंकल बंगले के लिए पैसे भी तो होने चाहिए जेब में। तो ये बहुत अच्छा बन रहा है वैसे यार। बड़ी रस्सी पे आपने तो ये रस्सी से बांधा के तो अटक जाएगा? ये बिल्कुल, ये तो बहुत मजबूती है। अच्छा, तो बहुत अच्छा बन रहा है वैसे। एक बार मैं वहाँ गया था चक्राता में, तो चक्राता में भी ऐसे कुछ बने हुए थे, तो ठीक है वैसे। तो यहाँ पे बस गाय के लिए इतना प्रबंध हो रहा है। अभी कैसे रहती है गाय? बाहर ही रहती है अभी? अंदर यहाँ पे। अच्छा, चलो तो ये बन रहा है यहाँ पे और अब चलते हैं। बनवाने के लिए बंगला जैसे भी होगा तो आप नंबर दे जाओ और बता देना। ठीक है जी। तो कहाँ पे, यहीं पे बनाते हो या कहीं पे भी? नहीं, हमारे घर ही है। अच्छा अच्छा, कई जगह आप बुकिंग आ जाते हैं ना।